दरबारी जो खासे आम दरबार लगा हुआ कंचनिया मुबारकबाद पेश किया। आज इन कंचनियों से हम बेहद खुश हैं, इसलिए जाओ शाही खजाने से इन्हें इनाम देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आपका आदेश महाराज। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से आइए, हमारे साथ चलिए। महाराज जी के आदेश अनुसार अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत। हमारे बहादुर सेनापति चंद्रराज सिंह। कहिए मेरे दानवीर सम्राट। मेरे बहादुर, आज तक मुझे प्रजा की अहवाल मिलती गई और प्रजा का समाचार मुझे मिलता गया, खुशखबरी प्रजा की मिलती गई। हमारी प्रजा खुशहाल है, चैन अमन से जी रही है, हमारे नाम की गुण गा रही है। लेकिन बैडल का कोई समाचार आज तक मुझे नहीं मिला। आज मैं बैडल का समाचार तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए मेरे दानवीर सम्राट, आप मेरी सेना के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कोई खतरा तो नहीं है? हुजूर, गर्चे आप हमारी सेना के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बतलाएंगे राजन। तो मुल्क और सीमा सरहद सुरक्षित सभी, लगी जब तलक है प्रभु की, भाई नगर पे नजर कोई टकराए ना मुझसे। मेरे दानवीर सम्राट, आपकी जो सेना है
इस वक्त तारागढ़ के बॉर्डर पर तैनात है राजन। कोई भी दुश्मन अगर हमारे तारागढ़ राज के अंदर प्रवेश करने की जरूरत किया तो बॉर्डर पर ही हमारे सैनिक दुश्मन का नामो निशान खत्म कर देंगे राजन। शाबाश मेरे बहादुर, मेरे बहादुर। मेरे दानवीर सम्राट, आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे जब तक आपका सेनापति चंद्रराज आपके राज्य में मौजूद है तब तक कोई भी दुश्मन आपके राज्य में चढ़ाई करने की जरूरत नहीं कर सकता। और रही बात सेना की, तो इस वक्त हमारी सेना काफी तादाद में है राजन, जैसे कि 135,000। अरे 135,000 की पैदल सेना तैयार है और 80,000 से कम नहीं जो कि घोड़ों के अश्वार हैं, हाथी तोपों व रप्पा की अरे संख्या कई हजार है और हौसले बुलंद है जवानों के खींच रहे तन। शाबाश मेरे भारत, वाह चंद्रराज सिंह वाह, तुम्हारी बहादुरी पे मुझे नाज है, तुम्हारे बाजू की ताकत पे मुझे फख्र है कि जब तक तुम अपनी फौज लेकर सीमा पे कार्यरत रहोगे कोई भी दुश्मन कोई भी आतंकवादी सीमा पे प्रवेश नहीं कर पाएगा। मेरे बहादुर, हमारा हुक्म है अपने जाबाज सिपाहियों को ले लो और जाओ तुम बॉर्डर की रक्षा करो। जैसी आज्ञा राजन। गर्चे आपकी यही मर्जी है कि मैं अपने सारे सैनिकों को अपने साथ लेकर तारागढ़ के सीमा बॉर्डर पर तैनात हो जाऊं तो ठीक है राजन। अरे जब तक दम में दम है, जब तक दम में दम है, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की ये शान तिरंगा हरगिज न झुकने पाए। शाबाश मेरे बहादुर, आपोश जाओ मेरे बहादुर। या भगवान, आज मैं ये क्या देख रही हूँ, हमारे प्रयागराज बहुत उदास है, न जाने कैसी चिंता इनको खाई जा रही है। मैं इस उदासी का कारण इसे पूछूंगी जरूर। स्वामी गुस्ताखी माफ हो। प्रिय प्रयागराज, ये मैं क्या देख रही हूँ, अजय तो मैं आपके साथ रहती थी, आपका चेहरा कमल के फूल के जैसे खिला हुआ लगता था, लेकिन आज न जाने क्या बात है, आप का चेहरा इतना उतरा क्यों है, क्या बात है स्वामी। प्रिय तुम जानना चाहती हो? हाँ महाराज। कि मेरा चेहरा मायूस क्यों नजर आ रहा है? क्यों है प्रिय, तुम हमारी पत्नी हो, तुमसे बताना अनिवार्य है। हाँ ही
कैसे चिंता है महाराज, मेरे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बात है? प्रिय, तुम जानना चाहती हो कि मुझे चिंता किस बात की रहती है? रातों में मुझे नींद नहीं आती है और सोचता रहता हूं। प्रिय, बस इसी बात की मुझे चिंता रही है। ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, इज्जत, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। प्राणनाथ, मैं आपसे कुछ कहूं? आपके हाथ जोड़ती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि आप कोई दूसरी शादी कर लीजिए। एक औलाद मिला, कितना सोना सोना लगता है। हाँ महाराज। नहीं प्रिय, ये तुम क्या कह रही हो? ईश्वर का घर बहुत बड़ा होता है, धैर्य से काम लो प्रिय। हर दिल को छोटा लगकर प्राण प्यारी मेरी, दिल को छोटा लगकर प्राण प्यारी मेरी, फिर वो गायब हुए।
एक सपना देखा है। स्वामी, आपने सपना देखा है? कैसा सपना? प्रिय, आज मैंने एक सपना देखा है और सपने में महात्मा जी ने हमारी उदासी का कारण पूछा है। क्या? तो मैंने बताया है कि ईश्वर ने मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत इज्जत शोहरत, लेकिन ईश्वर ने मुझे कोई औलाद नहीं दिया। मैं यही सोचता हूँ कि आगे चल करके हमारे तारागढ़ राज का वारिस कौन बनेगा, मेरे महल में दीपक कौन जलाएगा। स्वामी, तुमने राज ने क्या कहा? क्या कहा स्वामी, बोलिए ना, मुझे राज ने क्या? प्रिय, महात्मा ने बताया है कि तारागढ़ के बॉर्डर पर एक बिराना किला है और बिराने किले पर एक खंडर है और उस खंडर पे पंचमी के दिन तुम जा करके एक घड़े में दूध भरो भर करके और घी का दीपक जलाना, और घी का दीपक जलाना, जब नाग आएगा दूध पी करके प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आखिरी आप सच कह रहे हैं स्वामी? सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ प्रिय। प्राणनाथ हाथ को जोड़ दो जल्दी क्या पड़ी है? तुम घबराओ नहीं प्रिय, और चल के महलों में आराम रानी करो। जब नाग पूजा की घड़ी आएगी तो फिर हम चलेंगे उस खंडहर पे
और नाग को दूध पिलाएंगे, नाग को दूध पिलाएंगे, नाग प्रसन्न हो जाएगा तो फिर एक बच्चे का वरदान मांग लेंगे। स्वामी भगवान करे कोई दिन जल्दी आ जाए, मुझे और रहा नहीं जाता। नाथ चलो मेरे साथ, धैर्य से काम लो, चलो सारी तैयारियां किया जाए, आओ मेरे साथ।